जैसा कि अपने दर्शकों को हम बता दें कि दतिया में इस वक्त कुछ ही क्षणों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हो रहा है, जो यहां पर हेलीपैड पर आएंगे और उसके बाद सर्वप्रथम माँ पीतामरा माई के दरबार में आकर मत्था टेकेंगे। फिलहाल उनके आगमन की तैयारियों को लेकर दतिया जिला की पुलिस सुरक्षा में तैनात है। देख सकते हैं आप किस प्रकार यातायात पुलिस और हमारी पुलिस मोर्चा संभाले हुए हैं, बैरिकेड्स लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया है ताकि सीएम के काफिले में कोई अवरुद्ध पैदा ना हो। हम अभी माँ पीतामरा माई के उत्तर द्वार पर मौजूद हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि यहीं से उनका प्रवेश होगा। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है। अरे यार रोको इनको, गाड़ी जाने दो ना, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो। बंद करो एक अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मामा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मामा तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नाम क्या भैया अपना? गजेंद्र राजपूत, अतिथि शिक्षक, प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या मामला रहा जो आपको यहाँ तक आना पड़ा आज? आज हम दतिया जिले के सभी अतिथि शिक्षक माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने आए थे, तो हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन ही नहीं लिया उनने। आज 14 साल से हम लोग सोचे थे, आज स्कूलों में देखो अतिथि शिक्षकों की कितनी दुर्दशा है। आज वो 4,000 रुपये उनको वेतन दिया जाता है और कम से कम 15 किलोमीटर दूर वो लोग पढ़ाने जाते हैं। अब आप सोचिए आज इस महंगाई के दौर में 4,000 रुपये में उनका क्या होगा, और ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है। या तो कम से कम सरकार उनका 12 माह का सेवा काल कर दे और उनका वेतन बढ़ा दे तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन लगातार शासन प्रशासन हम लोगों को इग्नोर कर रहा है। बराबर हम लोग ज्ञापन धरने प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। नियमित क्या मांगे हैं आपकी? हम अतिथि शिक्षकों का सरकार से संवेदना कहना है, अभी फिलहाल में शासन के पास पैसा नहीं है तो 12 माह का हम लोगों का सेवा काल कर दें, इसी वेतन पे भी करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम एक हमारा पद सुरक्षित तो हो जाए, हम लोग बाहर ना निकले स्कूलों से। पहले जो सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था, क्या उसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं है, सरकार बार बार आश्वासन देती है। आप देखिए, आप मध्य प्रदेश शासन में गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जब विपक्ष में थे, भोपाल आंदोलन में गए थे, कहा था आपको नियमित करेंगे, आज इनकी सरकार आ गई है तो भी नहीं सुन रहे हैं। बार बार इनको भी ज्ञापन दिया जा रहा है, तब भी हमारी मांगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आगे इस मामले को लेकर क्या रणनीति है? रणनीति आगे भोपाल में विशाल आंदोलन होने जा रहा है, आज सभी जिलों में हम लोग उग्र हो चुके हैं, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन चालू हो गए हैं। सरकार 4-5 सितंबर आने वाला है, उसके पहले सरकार हमको नियमित नहीं करती है तो अल्टीमेटम है कि प्रदेश
भोपाल में जाके बहुत बड़ा आंदोलन होगा अतिथि शिक्षकों का। इसकी कोई डेट फिक्स की गई है जब आप सभी लोग अभी हम लोगों की चल रही है मीटिंगें चल रही हैं प्रदेश लेवल पे, कोई एक डेट फिक्स नहीं हुई है अभी। ब्लॉक और जिला लेवल पर ज्ञापन धरना का प्रदर्शन चालू है। पक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा किसी राजनेता से आपकी बात हुई हो? नहीं, देखो क्या है, विपक्ष तो अपनी रोटियां सेकता है, आपको बताएं उनकी भी 15 महीने की शासन में वो चाहते तो हमको नियमित कर सकते थे, लेकिन हमारा तो जो शासन है उससे ही निवेदन करेंगे, वही हमको नियमित करेगी। विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा है, वो तो हमारी मांग भी नहीं उठा रहा है। तो अभी क्या क्या मांगे हैं आपके पास? आपके पास अभी प्रेजेंट में हमारी सरकार से 3 मांगे हैं कि जो अतिथि शिक्षक जहाँ पर लगे हैं उनका पद सुरक्षित किया जाए, 12 माह का उनका सेवा काल किया जाए और उनका वेतन बढ़ा दिया जाए। विकलांगों का भी कर लो हमें। इसके साथ साथ जो आश्वासन हर बार दिए जाते हैं, इस बार भी अगर ऐसा आश्वासन दिया और आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कहाँ तक जा सकते हैं आप? हम प्रदेश में ये मानिए कि आज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, आज रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, आज हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार शासन किसी से भी लड़ना पड़े तो लड़ने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। आज भुखमरी की कगार पे हम लोग आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। आपने पहले भी देखा होगा, जब भी हम लोगों ने सरकार से कहा था, उनकी सरकार चली गई थी, आज आप लोगों ने पर सीधे इन लोग विधायकों को खरीद के सरकार बना ली तो क्या होता? चुनाव 1 साल बाद है। सिंधिया जी, माननीय सिंधिया जी ने कहा था कि आज अतिथि शिक्षकों की ढाल तरवाल नहीं बने और वो केंद्र में पहुंच गए हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह परिहार है जी। मैं बिछोंदरा हाई स्कूल में पदस्थ हूँ जी। मैं 98 से सेवाएं कर रहा हूँ जी। और मैं मुझे नरोत्तम मिश्रा जी ने लगवाया था स्कूल शिक्षा मंत्री की तरफ से जी। और मैंने 98 सेवाएं 2016 तक की गई और मेरी अंशकालीन नियुक्ति की गई थी जी। मेरे को जब तनख्वाह कम मिलती थी, 1500 रुपये मिलते थे जी। मैं कोर्ट गया था, हाई कोर्ट जी। हाई कोर्ट ने मेरा आदेश करा कि इनको नियमित पात्रता का लाभ दे दिया जाए। अच्छा। लेकिन उपाध्याय जी डीओ साहब थे यहाँ दतिया में। कहाँ के उपाध्याय जी थे? दतिया जिला शिक्षा अधिकारी 2016 में। उन्होंने मुझसे रिश्वत मांगी थी। अच्छा। 3 लाख रुपए के 3 लाख रुपए दे दो तो मैं तुमको अभी हाल लगा देता हूँ। अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे निकाल दिया। जब से मेरी स्थिति ये है कि मेरे बच्चे 4 हैं, पत्नी माता जी बिलवा के आज मैं भूखों मर रहा हूँ। अरे नौकरी तो गई दूर, मेरे को निकाल और दिया गया। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को जाकर यथास्थान रख दे, स्कूल में रख ले। तो अभी इन समस्याओं को लेकर किससे मिलने आए थे? मैंने मुख्यमंत्री को आवेदन दे दिया है, गाड़ी से आ रहे थे वो। अच्छा। तो मेरी अंशकालीनों की टीम है, मेरे सब भाई हैं जे, और हम सब भाई परेशान हैं क्योंकि आज प्रमाणित चपरासी को 40,000 तनख्वाह मिल रही है। तो आपके साथ में और कितने लोग हैं इन्हें निकाला गया? 25 लोग। मैं तो अभी अकेले ही हूँ वर्तमान में। अच्छा। और ये मेरे साथी लगे हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है, पूरे मध्य प्रदेश में हम अंशकालीन 250 हैं। हम अंशकालीन भरत और लिपिक मिलके 98 में हमारी नियुक्ति की गई थी अंशकालीन शिक्षाकर्मी वर्ग 4 के तहत। अब हमको उस समय 300 रुपये मिलते थे, आज मात्र 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जिससे हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया है, सुनवाई अगर कर लेंगे तो उनकी असीम कृपा होगी हमारे ऊपर। तो इसके साथ साथ आप और क्या मांग लेकर आए थे? यही मांग रहे हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा पूरा जीवन स्कूलों में सवेरे 9:30 बजे विद्यालय पहुंचना, क्योंकि विद्यालय में कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, इसलिए हम पूरे समय सेवाएं देते हैं, शाम को 5 बजे घर पहुंचते हैं, दूसरा कोई काम कर नहीं पाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता सब भूखों मरने की कगार पर हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बुजुर्ग माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है। सरकार से और सरकार में बैठे मंत्रियों से हमने हजारों बार हमारे भाइयों ने निवेदन किया कि हम गरीबों की सुनो, लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जबकि शिक्षा कर्मी को 500 से 50,000 मिलने लगे, जबकि हमको 300 से मात्र 5,000 रुपये हो पाए हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम सब कर्मचारियों को कम से कम अब कृपा हो जाए। हमारे आधे साथी तो ओवर एज होने के कारण रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और बच्चे हम जो साथी हैं उनकी उम्र भी लगभग किसी की 2 साल, किसी की 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा किसी साथी की 10 साल रह गई है नौकरी करने की आयु सीमा। निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों का भविष्य कैसे ही निकल जाएगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबको नियमित किया जाए। अदालत में मुख्यमंत्री हमारी सुन नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, मैंने कलेक्टर को लिखा, ये सब कोई स्थान नहीं है जब मैं गया नहीं। आज मेरी स्थिति ये है कि मैं भूखों मर रहा हूँ। मैं
और हमारी कोई नहीं सुन रहा है, मोदी कोई सुनने वाला नहीं है। और 20 साल हो गए मुझे 98 से मैं सेवाएं दे रहा हूँ, आज भी फ्री में सेवा कर दे रहा हूँ स्कूल में। आज हमारी स्थिति ये भूखों मरने की है। सरकार अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो कहाँ तक जा सकते, बस भैया आत्महत्या करेंगे बच्चों को लेके, क्या करेंगे, बच्चियों की शादी करना है, आज 20 साल की बच्चियाँ हो गई हमारी, कोई नहीं सुनता है। मुख्यमंत्री को मैंने परासही में लेटर दिया, निवास भोपाल श्यामला हिल्स में मैंने घर पे जाके दिया, नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ भी दिया था मैंने, कोई नहीं सुनता है। जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी तक को मैंने यहाँ से बाई पोस्ट करा, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं, मात्र इतनी गलती कर दी, हम कोर्ट चले गए, वो आज वो भी स्थिति नहीं। आज हम सरकार इतना ही कर दे, अरे और चपरासियों को, हमारे भ्रष्ट साथियों को कम से कम 25-25 हज़ार दे रहे हैं, अरे कम से कम लोगों को 20 हज़ार दे दो। आज ये स्थिति है कि हमारे 5-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। हम लोगों से बराबर काम लिया जाता है। हम लोगों को चुनाव में भी ड्यूटी लगाई गई थी, जो अभी त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव हुए उनमें हमको घसीटा गया और हम पूरी ड्यूटी कराई गई, लेकिन हमको मात्र 5 हज़ार रुपये में कैसे भरण पोषण होगा, छुट्टी की कैसे हमारी बच्चियों भी नहीं दी जाती, कैसे हमारी बच्चियों की शादी होगी, कैसे हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा। इन सब बातों को लेकर कब से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? लगभग 20 साल से। हम तो 20 साल से बराबर मांगे कर रहे हैं, 24 साल से कर रहे हैं, निकाल और दिया, नतीजा ये हुआ। इस बार चुनाव को लेकर क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या रणनीति है, कोई रणनीति है चुनाव में क्या आपकी? चुनाव में हम लोग तो अपने जो है गांव-गांव जाएंगे और सरकार के जैसे हमारे प्रति रवैया होगा वो बताएंगे। ये दिख रहा है गाँव वालों को भी दिख रहा है, हमारे संग अच्छा करेगा उसके संग हम अच्छा करेंगे, जी जान से लग जाएंगे। हमारा भविष्य तुलसी है गरीब की, कबहू ना निष्फल जाए, मरे चाम की ढोकनी सो श्वास भसम हो जाए। चैनल से केवल नरेंद्र मोदी तक और शिवराज सिंह जी चौहान तक हमारी खबर पहुंच जाए, क्योंकि हम तो मरता क्या नहीं करता, हम तो मर ही रहे वैसे 25 साल हो गए सेवा को देते। मेरा नाम जगत सिंह अहरवार है जी, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है दिव्यांग विकलांग पेंशन भी बढ़ा दी जाए, विकलांगों की पेंशन डबल की जाए जी, और हम वर्ग एक और दो में दोनों में क्वालिफाई हैं, और कुछ और भी हैं बाकी तीन में क्वालिफाई हैं, सभी तीनों विभागों में शिक्षा की पदवृद्धि की जाए, जिससे हम विकलांग बच्चे सब लग जाए जो क्वालिफाइड हैं। और तीसरी मांग ये है कि हर विभाग में कम से कम दो रिक्त पद अनिवार्य रूप से विकलांगों का हर विभाग में होना चाहिए, हमारी ये अनिवार्य रूप से मांग है। हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों के लिए। तो दिव्यांगजनों को लेकर आप मांग करना चाहते हैं? जी मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं और ज्ञापन भी दिया है, तो मतलब खड़े होकर नहीं लिया उनने, गाड़ी चलती रही, हम विकलांग लोग हैं, एकदम भैया आइया के नीचे दब दबू जाते, नब्बे जाते भैया जी, सादे फाजे हैं जी, टक्करें दे रहे हैं हमने अपनी सोची थी कि भैया विकलांग हैं, हम लोग हैं जे भी हैं, हमारे साथ ही विकलांग हैं जे भी हैं, सब क्वालिफाई हैं, हमने बड़ी आस लगा के आए थे कि माननीय मामा जी को हम अपना ज्ञापन देंगे तो बड़े अच्छी रूप से लेंगे हम विकलांगों के लिए, वैसे तो हर विकलांग के लिए छूट देते हैं, इसमें कहा भैया साझे पाजे लोगों ने मतलब धक्का दे दिया, गाड़ी चला दो तो धक्का लगेगा, हो सकता है हम यार दब दबू जाए मर जाए, मतलब कहा वो हमारा नाम लोकेंद्र अहरवार है सर जी। कहाँ से हैं आप? हम दतिया से हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है मध्य प्रदेश में लगभग 2011 से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, आप सबको पता है डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर लगभग मध्य प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं, तो हम मामा जी से मांग करने आए थे कि जब 1.25 लाख पद खाली हैं और सुनिश्चित कोई भर्ती नहीं हुई शिक्षकों की, तो सुनिश्चित पद कर दी 51,000 और 2011 से भर्ती नहीं हुई, 18 में पेपर हुआ था लेकिन पद सुनिश्चित नहीं हुए थे, लगभग उत्तीर्ण छात्र 51,000 से ज़्यादा उत्तीर्ण छात्र हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं शिक्षक भर्ती की, तो हमारी मांग है कि उत्तीर्ण छात्रों पूरे छात्र भर्ती हो जाएंगे यदि पद 11 जो है 11 के ना 51,000 होते हैं और 1.25 लाख खाली हैं, तो हमारी ज़्यादा मांग तो है ना, आदिन की मांग है, तो हम मामा जी से मांग करने आए थे लेकिन मामा जी ने जिस तरीके से ज्ञापन लेना था उस तरीके से ज्ञापन ही नहीं लिया, पता नहीं कूड़े में ज्ञापन फेंक दिया, उनके गार्ड हम सब जो है जितने भी उत्तीर्ण छात्र रहते सबको कुचलते हुए निकल गए, तो हमें ये समझ में नहीं आता, एक और तो मामा वादा करते हैं कि मेरा वादा है कि भांजे और भांजियां सुखी रहें, भांजे भांजियों को रोजगार देंगे, रोजगार कैसा देंगे, भर्ती करवा नहीं रहे, खाली पद हैं, अब पूरे मध्य प्रदेश में वो तो हम शिक्षक लोग हैं जो उत्तीर्ण कर गए, तो हम अपने आप को शिक्षक समझते हैं, यदि हम परीक्षा पास नहीं करते तो शिक्षक नहीं समझते, और परीक्षा पास करने के बाद भी कौन सी परीक्षा पास कर ली है आपने? वर्ग 3 की उत्तीर्ण। नंबर है आपके? हमारे नंबर है 90+ है।
90+ है। हाँ? इसके साथ में और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि 51,000 पद कर दे पूरे मध्य प्रदेश में, और जो है संयुक्त काउंसलिंग हो, अनुसूचित जाति सबकी संयुक्त काउंसलिंग हो। हमें दो ही मांगे हैं, तीनों पदों में विज्ञप्ति सुनिश्चित निकाली जाए, वर्ग एक और दो के, क्योंकि विज्ञप्ति सुनिश्चित नहीं है। आपने भी देखी, अभी किसी भी को भी ये पता नहीं है कि पद कितने निकले, तो सुनिश्चित कर पद निकाले 51,000। यदि 51,000 पद नहीं निकलते हैं तो जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर 51,000 से ज़्यादा हैं, वे सभी छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे, भोपाल में आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, फिर जो भी कुछ होगा इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होगा। धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद कुमार राव। कहाँ से आए हैं? दतिया से। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि 11 साल से लगभग 1,25,000 पद खाली हैं भर्ती के, और 11 साल के बाद अभी जो भर्ती निकली है 2020, जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो उत्तीर्ण हो चुके हैं, और इसके पहले जो धांधली हुई है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4-5 जो अनुक्रमांक लिख करके एक वायरल कर दिया विभाग ने, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पहली मांग तो हमारी ये है कि 51,000 पर भर्ती की जाए, और दूसरी है संयुक्त काउंसलिंग की जाए जनजातीय विभाग की और शिक्षा विभाग की। हमने भी ज्ञापन दिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि 11,000 से 11 साल से परेशान है ये लोग, तो इनकी भर्ती की जाए 51,000। यही हमारी माननीय शिवराज जी से मांग है, क्योंकि ये वादे तो ज़्यादा करते हैं और काम करते नहीं हैं। जनता के प्रति और अपने भानज भांजियों के प्रति इनका रवैया सही नहीं है, और अगर ऐसा ही इनका काम रहा तो हम लोग 2023 में इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे और इनका जवाब देंगे भोपाल में आकर के। अभी धन्यवाद। सहायता करें जिससे मेरी जिंदगी टिकाने लगे, और मैं बहुत विकलांग हूँ, बहुत पूरी पढ़ाई कर रही है और हम मुझसे नहीं हो पा रहा है, बताओ मैं कैसे करूँ पूरी पढ़ाई। पूछ लो क्या क्या पूछा। तो इसके पहले आप जो लिखावट करती थी, जो भी आप राइटिंग करती थी, वो कोई और करता था? नहीं, मैं ही मुँह से लिखती हूँ। अच्छा, मुँह से लिखती हैं। हाँ। कहाँ तक शिक्षा है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन फाइनल कर ली है, बीएड फर्स्ट ईयर है मेरी। बीएड फर्स्ट ईयर है? हाँ, मुँह से लिखते लिखते। बीएड कहाँ से कर रही हैं? इंद्रगढ़ श्री कृष्णा कॉलेज से। इंद्रगढ़ से कर रही हैं। हाँ। कक्षा 10वीं 12वीं में कितनी परसेंटेज होगी लगभग आपकी? मेरी 58 है 10th में और 41 है 12th में। अच्छा, काफ़ी अच्छा। और इसके आगे क्या करना चाहती हैं आप? बस शासन से यही निवेदन है कि मुझे कोई जॉब दिला दे और मेरी सहायता करे, जिससे मेरी जिंदगी। अभी आप मुख्यमंत्री जी से मिलना आई थी आप? हाँ। तो उनको लेकर कोई आश्वासन दिया गया, आपकी बात सुनी गई क्या? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी कोई सुनाई नहीं है। नहीं, अभी मिल है। इसके साथ में आपके अलावा कोई और संदेश हो आप देना चाहें? हाँ, मैं यही नहीं कहना चाहती हूँ कि मुझे भी सहायता मिले, हर विकलांग के लिए सहायता मिलनी चाहिए, हर विकलांग के लिए सुनवाई होना चाहिए।
किस मामले को लेकर यहाँ आना हुआ आपका? हाँ, हम मान लो अपने अतिथि शिक्षक संघ जो 15 साल से विगत वर्षों से मध्य शासन का शोषित हो रहा है, उसकी मांग के लेकर हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए थे कि हमारा कोई मांग परमानेंट की जाए, मतलब नियमित किया जाए और 12 माह का कार्यकाल किया जाए, हमारी मांग स्थायी की जाए, मतलब स्थायी की जाए हमको और पद स्थायी किया जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि मान लो हमारा बहुत शोषण हो चुका है अभी तक, मान लो हम लोग बहुत परेशान हैं, हम गरीब आदमी हैं और मान लो 100-150 रुपया में क्या होता है, कैसे दैनिक जीवन चलता है हमारा, हम बहुत मान लो एक परिवार को चलाने में सक्षम नहीं हैं। हम अभी तक 15 साल में कई सैकड़ा लोग तो मर चुके हैं, अतिथि शिक्षक लोग मान लो आत्मदाह कर चुके हैं, फांसी लगा ली है। सर, हम बहुत बेरोजगार हैं और हमारा रोजगार स्थायी किया जाए।